हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ अनुराधा मिनोच, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कंसल्टेंट। और आज इस वीडियो में मैं आपसे आपके साथ तीन पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफर्मेशन एंड अफर्मेशंस। जो मैंने अभी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं लाइक अबाउट एफर्मेशन, तो उसमें मुझसे एक दो लोगों ने पूछा था कि एफर्मेशन एंड अफर्मेशंस में डिफरेंस क्या है। सो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, एफर्मेशंस जो होती हैं, एफर्मेशंस क्या करती हैं, वो बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक रिमाइंडर भेजती हैं अबाउट योर डिजायर। यू नो कि अगर मान लीजिए आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, देन आप बोल रहे हैं दैट यू नो आई एम लिविंग इन अ ब्यूटीफुल हाउस, आई एम एंजॉयिंग लिविंग इन माय ब्यूटीफुल न्यू हाउस, तो उससे क्या होता है कि आप अपने माइंड सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंडर भेज रहे हो अबाउट द चेंज दैट यू आर लुकिंग यू नो इन योर डिजायर। जो भी आप चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में रिमाइंडर भेजते हैं। एफर्मेशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी जो ऑलरेडी एक डेटा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो एक विजडम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उनको ट्रिगर करते हैं, ठीक है, टू ब्रिंग द चेंज इन योर लाइफ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अच्छा घर यू नो चाहते हैं कि ड्रीम हाउस पे रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम लिविंग इन अ ब्यूटीफुल हाउस, आप बोलेंगे व्हाई एम आई एंजॉयिंग माई लाइफ इन माई न्यू हाउस, Why am I enjoying so much in my new house? तो जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, सारा आंसर ढूंढने में लग जाता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिलते हैं, एंड देन आपको सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ओके दैट पर्सन इज लिविंग इन अ न्यू हाउस, यू नो ऑलरेडी वो ऑलरेडी इस घर में रह रहा है। एंड देन आपको ये जो मैंने आपको बताया था कि एफर्मेशन जब भी हम बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी हमें ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता कि गलत है। एफर्मेशन में ये हो सकता है दैट व्हेन यू से एफर्मेशन दैट आई एम एंजॉयिंग लिविंग इन माय न्यू हाउस, देन एकदम से यू नो आपको लगेगा कि बट मैं तो नए घर में रह नहीं रहा या मैं रह नहीं रही, तो ये कैसे यू नो, तो वो वाला चीज हो जाता है। लेकिन वो भी विद प्रैक्टिस होता है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट एफर्मेशंस काम नहीं करती, ऑफ कोर्स इट डज वर्क। मैंने लिटरली एफर्मेशंस ही यूज की हैं मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ, सो आई वुड से कि येस डेफिनेटली एफर्मेशंस वर्क करती हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव पेशेंस, यू नीड टू बिलीव इन इट, इट कैन नॉट जस्ट गिव यू रिजल्ट इन 10 days और 15 days, यू हैव टू बी रिलीजियस एंड कंसिस्टेंट विद एनीथिंग दैट यू डू। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस ये था कि एफर्मेशंस जो होती हैं वो काइंड ऑफ रिमाइंडर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए, एंड जो एफर्मेशंस होते हैं वो ट्रिगर करते हैं जो डेटा जो विजडम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है उसको। दूसरा है, एफर्मेशंस जो होती हैं वो एक स्टेटमेंट होती हैं, यू नो लाइक आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आई एम लिविंग ब्यूटीफुल लाइफ। एंड एफर्मेशंस जो होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्म्स होते हैं, एम्पावरिंग क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई एम आई ब्लेस्ड, व्हाई एम आई लिविंग ब्यूटीफुल लाइफ, लाइक दिस। थर्ड आई वुड से एफर्मेशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके यू नो लाइक आई वुड से कि कहीं ना कहीं जो आप स्टेटमेंट बोलते हैं ना तो आपको फोर्स करते हैं बिलीव करने में। यू नो एफर्मेशंस जैसे आपने बोला दैट आई एम अर्निंग 1 lakh rupees पर मंथ, अगर आप अर्न नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो होती है वो आपके माइंड को फोर्स करती है एक्सेप्ट करने के लिए। वहीं पे एफर्मेशंस जो होते हैं, जैसे आपने बोला दैट व्हाई एम आई अर्निंग 1 lakh rupees पर मंथ, तो इसमें क्या हो गया, एफर्मेशंस क्या करते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको टैप करते हैं, ना कि आपके बिलीफ सिस्टम को कुछ चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए आपका बिलीफ सिस्टम है दैट आई कैन नॉट अर्न 1 lakh rupees पर मंथ, अब एफर्मेशंस इस पे कोई यू नो उसको नहीं आपको छेड़ रहा है, एफर्मेशंस आपका जो थॉट प्रोसेस है उस पे टैप करता है। एफर्मेशंस जो होती हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करती हैं, ठीक है। धीरे धीरे एफर्मेशंस और एफर्मेशंस देखिए दोनों का काम वही है, सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाना एंड वो अपॉर्चुनिटीज लेके आना आपके लाइफ में जो आप चाहते हैं, आपके डिजायर जो है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लेके आना। बट डिफरेंस क्या हो जाता है, एफर्मेशंस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आई वुड से फोर्सफुल स्टेटमेंट है जो आप अपने माइंड को बार बार फोर्स कर रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए, वहीं पे एफर्मेशंस जो होती हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को टैप करती हैं कि आपका थॉट प्रोसेस है जैसे आप चाहते हो 1 lakh rupees अर्न करना, सो आपने क्वेश्चन पूछा दैट व्हाई एम आई अर्निंग 1 lakh rupees, सो इन अ वे आपने यहाँ पे फोर्सफुल स्टेटमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे यू आस्किंग अ क्वेश्चन एंड देन योर माइंड इज लुकिंग फॉर द आंसर, राइट। सो ये बेसिकली डिफरेंस होता है मेजर एफर्मेशन एंड एफर्मेशन में। एंड मैं 1 affirmation आपको देना चाहूंगी एंड विच आई वॉन्ट यू टू यूज एवरी डे एंड देन यू सी वॉट चेंजेस इट ब्रिंग्स इन योर लाइफ, एंड दैट एफर्मेशन इज Why is my life full of miracles? You can use this, you know, whenever you are doing anything, cooking, showering, walking, watching TV, whatever you are doing, just keep on saying,
Why is my life full of miracles? Why is my life full of miracles? Why am I so blessed? So you can do these affirmations and then you see how it works for you. And do let me know in the comment section, how did you find this video? How did you find this affirmation series? And agar aapko achhi lagi hai to mujhe bataiye, fir main aur kis topic pe video leke aaun. And tab tak milte hain aapke liye apni next video mein. Tab tak ke liye happy manifesting. And please ek hi request hai meri aapse ki agar aapko meri videos achhi lagti hai to usko like kijiye, share kijiye. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस. थैंक यू सो मच. हैप्पी मैनिफेस्टिंग. बाय बाय.